जेके 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि समय की एक बड़ी खबर सांबा के नड इलाके से सामने आ रही है। आपको बताते चले नड का पल्थ इलाका, यहां पर देर रात को आसमानी बिजली गिरने से लगभग 30 बकरियों की मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि 15 के आसपास बकरियां जो हैं ये जख्मी हुई है। ये बड़ी खबर इस समय की सामने आ रही है। मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह से कल से लगातार आप देख रहे हैं कि मौसम साजगार नहीं है, मौसम खराब चल रहा है, बारिश काफ़ी रात को तेज़ हुई है और उसी के चलते यहाँ पर जो है थंडर स्टॉर्म भी हमें लगातार देखने को मिल रहे हैं और जिसके चलते यहाँ जो आसमानी बिजली गिरी है तो आसमानी बिजली गिरने से पल्थ इलाके में एसटी परिवारों की बात करें तो इन परिवारों की 30 बकरियां जो है ये मर गई हैं। इसी के साथ साथ 15 के आसपास बकरियां जो है ये जख्मी हुई हैं। तो इसी के चलते आपको बता दें कि 2 एसटी परिवारों का जिक्र किया जा रहा है जिनकी ये बकरियां थी, लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आज इन तमाम एसटी परिवारों ने यहाँ पर इकट्ठा होकर प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनकी फौरी तौर पर मदद की जाए, कंपनसेशन दी जाए और इन्हीं का जो पालन पोषण है वो इन्हीं के ऊपर जो वो निर्भर था, लेकिन काफ़ी नुकसान जो है वो एसटी परिवारों के इन 2 परिवारों को हुआ है। जिस तरह से देर रात को जो आसमानी बिजली गिरी है तो आसमानी बिजली गिरने से ये 30 बकरियों की मौत हुई है और यहाँ 15 के आसपास बकरियाँ जो हैं ये जख्मी हुई है। ये बड़ी खबर इस समय की सांबा जिला के नड ब्लॉक से सामने आ रही है। नड ब्लॉक का ये पल्थ इलाका जो मनानू का इलाका है यहीं पर देर रात को आसमानी बिजली गिरी है और जिस तरह से ये आसमानी बिजली गिरने से ये कहर बरपा है तो उसी में ये 30 बकरियों की मौत हुई है और उसी के साथ 15 के आसपास बकरियां जो है ये जख्मी हुई है। एसटी परिवारों के सदस्य क्या कुछ कहते हैं, प्रशासन को किस तरह से वो गुहार लगा रहे हैं, आप इस रिपोर्ट को जरूर देखें। लेकिन कहीं ना कहीं हमने अक्सर देखा है कि इस तरह के मामले पहले भी सामने आए हैं। जब भी नेचुरल कैलामिटी होती है, बारिश होती है, थंडर स्टॉर्म होते हैं, बिजली गिरती है, तो बिजली गिरने से कहीं ना कहीं काफी नुकसान कई अलग अलग जगहों पर होता है, जिसको लेकर ये नुकसान जो है वो एसटी परिवारों को झेलना पड़ा, जिसके चलते 30 बकरियों की मौत हुई है और कुछ बकरियां इसमें घायल हुई हैं। क्या कुछ कहते हैं एसटी परिवारों के सदस्य इस पूरे हादसे को लेकर, इस रिपोर्ट को देखें, वो लगातार प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल ऋषि खजूरिया जगह 24/7 न्यूज के लिए। जी रफाकत नाम है मेरा। रात को अचानक बिजली कड़की को तकरीबन 3 बजे तो ये हमें आवाज़ आई यहाँ इनकी, फिर यहाँ हम आए तो देखा तो ये सब यहाँ 5-10 बच्ची हैं, उसमें से 2-4 उसमें भी जख्मी हैं, बाकी ये मर गई आपके सामने। कितनी है ये मरी? ये टोटल तो 29 है यहाँ पे जो मरी है, जख्मी तो जख्मी ने लगा कर तकरीबन 40 है ये। कितने फैमिली की थी ये? 2 ही की थी। क्या नाम है? मेरे साथ दूसरा है शौकत। तो हाँ पुलिस आई है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट बना ले। डिमांड तो यही रहेगी कि देखें इनको और इनका कुछ वो खुद देख कर बताएं। नुकसान तो हुआ है, नुकसान काफ़ी हुआ है। हमारे एडीए से तो काफ़ी नुकसान है, हम 20,000 से तो कम देते ही नहीं है ये। तो अब गवर्नमेंट है, देखे क्या करे इस पे। क्या हमारी तो गुजारिश रहेगी कि हम पूरे सर्दी में इन्हीं के पीछे चलते हैं, माल बच्चे अपने वो सब कुछ छोड़कर, तो फिर उसकी लास्ट में हमें ये वो भी नहीं पूरा हुआ, इसमें क्या कहें। और क्या परेशानी पेश आई रात को? हमें गुलजार अहमद यहाँ पल्थ मनानू से। तो सर ये करीब रात के तकरीबन 3 बजे एक आसमानी बिजली गिरी और हमारा ये जो माल भेड़ बकरियाँ होती हैं ये जंगल में ही अक्सर रहती हैं, तो जिस वक्त बारिश गिरी तो ये एक आम का पेड़ था उसके नीचे सभी जमा होगी बारिश की वजह से, तो आसमानी बिजली गिरी तो एक अल्लाह का कहर आया, तो उस की वजह से तकरीबन 50+ बकरियाँ जो अभी आपने भी मौके पे देखी तो वो मारी गई। क्या डिमांड कर? स्टेशन से ये डिमांड है, ख़ासकर सांबा एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब से, कि मौके पे इन लोगों का मौका किया जाए और इन लोगों को मौके पे कुछ नुकसान का तखमीना करके इनको फौरी तौर नुकसान दिया जाए। ये जो 2 परिवार हैं बहुत ही गरीब हैं, तो हमारी शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से भी गुजारिश है कि वो लोग भी आएँ यहाँ पे मौका करें, इन बकरियों का कुछ थोड़े बहुत बकरियों का ये इंश्योरेंस वगैरह भी है, तो ख़ास करके जो हमारे गुजर बकरवालों का एक ट्राइबल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने बनाया है, ट्राइबल सेक्रेटरी से हमारी मुतबाना गुजारिश है कि वो ग्राउंड पे आएं और गुजर बकरवाल जो भी हमारी कम्युनिटी के लोग जहाँ भी हैं उनका बहुत नुकसान होता है और ग्राउंड पे आएं, उनका मौका करें तो इनको नुकसान दिया जाए।